हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्रीज किचन। आज हम लोग लौकी का हलवा बनाएंगे। उसके लिए मैंने ऐसी मीडियम लौकी ली है। ज़्यादा पतली लेने से थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। मैं इसे छील लेती हूँ। अब मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। मैंने आधा किलो लौकी ली है और फुल क्रीम दूध लिया है, वो अंदाज से 1.25 लीटर उतना डाल रही हूँ। और मैं इसे अभी गर्म कर देती हूँ। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, यही टाइम पे मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। मैंने एक बोल चीनी लिया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं थोड़ी रख देती हूँ। हलवा हमारा रेडी हो चुका है और हलवे में शाइन आने के लिए मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। यही टाइम पे आप 2 बूंद हरा कलर डाल सकते हो, लेकिन मुझे कलर पसंद नहीं है, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। लौकी हमारी एकदम अच्छे से गल गई है और हलवा भी बहुत ही अच्छा बना है। यही टाइम पे मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। एक टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। से बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निश कर लूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। थोड़ी सी चारोली भी डाल रही हूँ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।